दीदी दीदी एक काम करो, आप ना फटाफट ये पैसे गिन दो, ये पकड़ो। और भी दे रही हूँ मैं आपको पैसे, क्या है ना मेरे पास फोन पे फोन आया जा रहा है, मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ, मेरा ना बहुत बिजी शेड्यूल है। तो ये कहाँ से लाया है भैया इतना पैसा? ये भी पकड़ो, जल्दी जल्दी पैसे गिन दो। पहली बात बताओ ये पैसे लाए कहाँ से, और तुम हो कौन और मुझे क्यों गिनवा रहे हो कौन? अरे दीदी एक इंसानियत के नाते एक हेल्प कर दो ना, मेरी मदद कर दो। पहले बताओ इतना पैसे लाए कहाँ से तुम? कहाँ से लाए, क्या मेरा बिजनेस है, बिजनेस में से आए, मेरे पैसे जल्दी दो, बिजनेस गिन के फटाफट। तुम्हारे कपड़े से तो नहीं लग रहा है? अरे चुप रहो यार, फिर फोन बज रहा है दीदी यार। अरे पहले बेटा, हाँ हाँ एक दीदी मिली है, उनसे वो करवा रही हूँ पैसे गिनवा रही हूँ। हाँ 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 देख लियो तू, पीए मिल जाए तो तेरे को पर्सनल असिस्टेंट हमारा। हाँ ठीक है, हाँ दीदी जल्दी गिन दो यार, मैं टाइम नहीं है। बेटा बताओ तो कहाँ से लाया पैसे इतने? मेरा बिजनेस है दीदी। बिजनेस है? हाँ कमाती हूँ मैं। अरे बहुत अच्छे, कितना कहाँ से बिजनेस, कौन सा बिजनेस करते हो बताओ? अरे महीने का पता है कितना कमाती हूँ बताओ? 50 लाख कमाती हूँ मैं महीने का। ठीक है अब जल्दी गिन के दो। बहुत अच्छी बात, ये तो आज की कमाई है बस। क्या बात है, और आज तो वो भी कम हुई है। बिजनेस करते हो बेटा मुझे भी बता दो जरा। दीदी मैं हर किसी को अगर में मरे पड़े जा रहे इतनी सारी, इतना इतना मेहनत करके 18,000 कमा रहे। 18,000 तो ठीक है। अरे मैं बताती हूँ क्या बात है, मतलब मैं ना यहाँ पे जो लोग भीख नहीं मांगते बच्चे बच्चे, उन सबकी लीडर हूँ मैं, बॉस हूँ मैं उनकी, तो मतलब मैं उन्हें सैलरी वगैरह देती हूँ। हाँ तो वो जो कमा के लाते हैं वो सारा मेरे पास आता है, फिर मैं उसमें से आधा आधा बांट देती हूँ सबको। तो कितना होता है मैंने कहा ऐसा करके? बताया तो 50 लाख हो जाता है क्या? अरे पता है क्या, हम जहाँ भीख मांगते हैं ना वहाँ अमीर लोग रहते हैं, गरीब लोग नहीं रहते। अच्छा, हाँ, वो देते हैं 500,000 रुपए देते हैं एक बंदा, तो वो इसलिए कमा लेते हैं। गिन कितने हैं? मैं गिन लूंगी आते भी हैं गिनने? पढ़ी लिखी हूँ मैं, ग्रेजुएट हुआ है। अच्छा पढ़े लिखे हो, ऐसे क्या बोल रहे हो आप? चलो कोई नहीं, छोड़ो आप पे गिने तो जा नहीं रहे, इतनी देर हो गई। यार फिर फोन आ रहा है, फोन पे फोन, फोन पे फोन। हाँ हेलो, अरे यार ये दीदी मिली तो है, कर ही नहीं रही, गिनने ही नहीं आता, पता नहीं क्या कर रही है। एक मिनट। हाँ हाँ चल ठीक है, आ रही हूँ मैं। क्या अच्छा 1 लाख का प्रॉफिट और हुआ है? चल अभी आ रही हूँ, बस 5 मिनट दे। हाँ अरे दीदी जल्दी कर दो, मैं टाइम नहीं है, मैंने बता दिया आपको। ये तो ऐसे लग रहे कि चोरी वोरी करके तो नहीं ना, ऐसा मुड़े वुड़े पैसे है तो कैसे चोरी करके लाया है क्या? ए कुछ भी बोले जा रहे दो। अरे बेटा देखो इतना मजाक नहीं करना चाहिए, बता दो कहाँ से लाया। मजाक मैं, आप क्या मेरे कुछ रिश्तेदार लग रहे हो जो मैं आपके साथ मजाक करूंगी? जल्दी दो, टाइम नहीं है, मैं 1 लाख का प्रॉफिट हुआ है मेरे को। रुको मैं कर दूंगी ना काउंट, तो मेरा ना दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है, जल्दी दे दो। ऐसे मत बात करो बेटा, पहले बैठो इधर बैठो। क्या अरे यार दीदी वैसे ही मैं पता है बहुत परेशान हूँ। सुनो तो आज सच्ची सच्ची बताओ कौन सा बिजनेस है आपका? अरे अभी बताया, जो ये कमाते हैं ना जो रोड पे भीख मांगते हैं उन सबकी बॉस हूँ मैं, बॉस जैसे कहते हैं ना, बॉस हूँ मैं। हाँ तो अब जल्दी दे दो, मैं काउंट कर दूँ? नहीं नहीं, अरे मैं अकाउंटेंट का काम करती हूँ, मैं कर दूंगी काम। अकाउंटेंट? एक मिनट हाथ धोइए तो छोड़ो। हाँ 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 मतलब वैसे ना दीदी एक बात आपसे कर भी लेती हूँ, आप कह रहे ना आप क्या कहा था आपने, क्या हुआ आप? अकाउंटेंट हो? नहीं 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 उससे पहले वो जी से कुछ ग्रह ग्रह पता नहीं क्या ग्रेजुएशन। हाँ ग्रेजुएट हो? हाँ ग्रेजुएट हो। हाँ अच्छा, तो वैसे ना मुझे ना मतलब कि अपने ये संभालने के लिए, देखो मेरे पास तो इतना पैसा है मैं संभाल पाती नहीं हूँ, बेशक मैं कैसे भी कपड़े पहनूँ, मेरे को ना एक वो चाहिए पर्सनल असिस्टेंट। ये बताओ आप जॉब करते हो कहीं पे? हाँ मैं तो जॉब करती हूँ, बट पर्सनल असिस्टेंट की जरूरत है तुम्हें? हाँ वो मतलब, तो जरूरत है, पर ये बताओ कितना कमाते हो आप? वो पहली बात गिनने नहीं आते तुमको? हाँ वो छोड़ो, कितने कमाते हो आप? मैं तो 18-20 हज़ार है मेरी सैलरी बस। हाँ बस। हाँ इतने में जी कैसे रहे हो? अरे तो ग्रेजुएशन में उतना ही मिलती है, अभी क्या बोलूँ। अरे एक काम करो मेरी लाइन में आ जाओ, मैं बता रही हूँ आपको। बट मैं भीख लाख मांगूंगी, मैं ग्रेजुएट हूँ। भीख नहीं मांगोगे? फिर छोड़ो ना, क्या काम करोगे? अरे तो छोड़ो, ये काउंट कर दूंगी ना मैं। एक तो आपके फायदे की बात कर रही हूँ मैं। हाँ तो बोलो बोलो बोलो। तो मेरे साथ भीख मांगो ना, एक तो आपको देंगे भी बहुत अच्छी अच्छी भीख, वो 2,000 रुपए देंगे, 2-3 हज़ार रुपए। चलो मांगते हैं, मतलब मांगो आप और आके देना मेरे को, मैं कर दूंगी काम। मैं अकाउंटेंट का जॉब कर सकती हूँ उससे ज्यादा। अच्छा मतलब आप मेरी पर्सनल असिस्टेंट बन सकते हो? हाँ ऑफ कोर्स। अच्छा
चलो ठीक है, फिर एक काम करते हैं, मैं ना जो मेरी पर्सनल असिस्टेंट होगी ना, ए यार एक तो यार मेरे पे इतना पैसा है ना, फोन पे फोन आए जा रहे हैं, तो ना एक दो दो आईफोन। हाँ वो तो ठीक है, आईफोन प्रो है आपके पास? हाँ वो भी है, नजर मत डालो। तो मैं ना अपने पर्सनल असिस्टेंट को दूंगी 50,000 रुपये, तो अच्छा। अगर आपको गिनने आते हैं तो देखो मैं आपको जॉब दे सकती हूँ, और आपको आईफोन गिफ्ट भी कर सकती हूँ मैं। हाँ तो ठीक है, देखो एक काम करते हैं, काम करते हैं, मैं आपको काम करो, एडवांस लो, ठीक है? हाँ। एडवांस है आपका कितना है ये? कितना सैलरी दोगे आप मुझे? मैं 50,000 रुपये दे दूंगी, आगे चल चल के 1,00,000 भी कर दूंगी आपकी सैलरी, ऐसी बात नहीं है। चलेगा, बट अगर आप काम अच्छा करोगे तो। ऑफ कोर्स मैं अच्छे से करूंगी, ठीक है? हाँ। तो एक काम करते हैं, बात बाकी डील वगैरह डन कर दी ना, तो यहाँ पे बाजू में ना मेरा एक ऑफिस है, वहाँ चलोगे? चलो, वैसे यहाँ से भी दिख जाता है मेरा ऑफिस। चलेगा, चलो दिखाऊं मैं यहाँ से? हाँ चलो, आप उधर देखना सामने ना कैमरा, मतलब ये है मेरा ऑफिस। ऐसा क्या? मैं ना आपके साथ मजाक कर रही थी। अरे ये जो पैसे गिन रहे थे आपको, आपके दिखा नहीं था क्या आपको ये नकली पैसे?